नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SS एनालिसिस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे उन संभावनाओं को तलाशने की, निफ्टी में अब किस तरह के मूवमेंट्स दिखाई देंगे, क्योंकि उम्मीदों का एक बड़ा बांध टूट चुका है। जहां की अमेरिका में एक बड़े स्टिमुलस की उम्मीद की जा रही थी कोविड-19 के सपोर्ट को लेकर, जो कि पूरी तरह से नकार दी गई। कल उतने वोट नहीं मिले और वहीं काफी सारे डेमोक्रेट्स ने भी उसके विरोध में वोट दिए, जिसके चलते उस स्टिमुलस पर सहमति जुटाना असंभव हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि अब आने वाले इलेक्शंस तक कोई स्टिमुलस हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में भी अपनी सारी बढ़त खो दी और अंत में लाल निशान के साथ बंद हुए अमेरिका के तीनों इंडेक्स। जिसके चलते मुझे लगता है कि निफ्टी में भी आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो बढ़त कायम हुई थी निफ्टी में, ये उसी स्टिमुलस के चलते हुई थी जो अमेरिका में कोविड-19 के चलते मिलने वाला था, जिसके चलते ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत सरकार भी इस तरह के स्टिमुलस दे सकती है और भी देशों के सेंट्रल बैंक्स इस तरह के स्टिमुलस दे सकते हैं। तो वो सभी उम्मीदें कल टूटती हुई नजर आई, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में काफी भारी गिरावट देखी गई। तो मेरा मानना है कि आज फिर से हमें एक गिरावट की शुरुआत होते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, जहाँ की हमने निफ्टी में फरवरी के महीने से एक गिरावट की शुरुआत देखी थी, जो की मार्च के महीने में पूरे महीने जारी रही, और जहाँ की निफ्टी ने 23 मार्च को 7,517 के स्तर को छुआ था इस गिरावट में। तो यहाँ मेरा मानना है कि ये जो रिकवरी हुई तो ये सिर्फ एक उम्मीदों का दौर यहाँ कायम था, जिसके चलते निफ्टी में भी एक हमने रिकवरी देखी। जबकि निफ्टी ने कल जो एक हाई लगाया है वो 12,018 का लगाया है, जबकि जो एक रेजिस्टेंस में मानता हूं वो 12,058 की है, जहां कि निफ्टी कल नहीं पहुंच पाया। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां कि एक कैंडल पूरे मंथ की मूवमेंट्स को दिखाता है। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में। इस हफ्ते में निफ्टी में एक काफी सीमित दायरे में ट्रेड हुआ, जहां की ऊपरी स्तर पर एक टफ रेजिस्टेंस मिला निफ्टी को 12,036 के आसपास, जहां की निफ्टी ने काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा पिछले हफ्ते में भी। और इस हफ्ते में आप देख सकते हैं कि एक हाई लगाया था कल 12,018 का, और वो बढ़त निफ्टी कायम नहीं रख सका और अंत में मात्र 40 अंकों की बढ़त के साथ ही नीचे बंद हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में एक बेयरिश का सर्वर यहाँ दिखाई देगा आपको, जहाँ की 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे आ चुका है 200 डेज मूविंग एवरेज के। तो ये एक बेयरिश सिग्नल है जो कि दिखाता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी किस स्तर तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में जो कोविड-19 के चलते जो भारतीय इकोनॉमी पर जो मार पड़ी है वो काफी भयंकर है, जिसका इम्पैक्ट हम आने वाले कई महीनों तक हमें निफ्टी में ही नहीं विश्व के सभी इक्विटी बाजारों में देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप है, जिसके चलते भारतीय उद्योग धंधों पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी में इस हफ्ते में किस तरह के मूव हुए हैं, और हमने निफ्टी को एक प्रेशर में देखा इस हफ्ते में अभी तक, यानी पहले 3 ट्रेडिंग सत्रों में। आज देखना है कि निफ्टी में आज किस तरह की शुरुआत होती है और निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ होती है, क्योंकि आज है 22 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार, जहाँ की निफ्टी फ्यूचर्स का भी आज सेटलमेंट है, जिसके चलते भारी उठक पटक हमें निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी का एक डेली चार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी में शुरुआत कल हुई थी 11,958 के स्तर से, और एक हाई लगाया 12,018 का, और एक लो लगाया था 11,775 का, और अंत में क्लोज हुआ है 11,937 पर। तो निफ्टी में ये जो मूव दिखाई दिया, जहाँ की निफ्टी एक समय पर 11,775 तक नीचे आ गया था अपने उच्चतम स्तरों से, परंतु यहाँ से रिकवरी देखी गई, वो सिर्फ इस वजह से कि हो सकता है कि अमेरिका में कोविड-19 का जो सपोर्टिंग स्टिमुलस है उस पर एक डील हो जाए, जिसके चलते ये रिकवरी हुई। परंतु आज मेरा मानना है कि आज हम निफ्टी की शुरुआत 11,850 के नीचे देख सकते हैं, जहाँ की 9 डेज मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है 11,843 पर। तो हो सकता है कि निफ्टी की शुरुआत इसके ऊपर हो जाए और वहीं निफ्टी एक अपवर्ड मूव भी देने की कोशिश करे, क्योंकि निफ्टी में आज शॉर्ट कवरिंग फिर से देखने को मिल सकती है। परंतु मेरा मानना है कि निफ्टी में यदि एक गैप डाउन ओपनिंग की शुरुआत हुई, फिर देखना होगा कि एक डेली टाइम फ्रेम में क्या निफ्टी 11,754 के स्तर को बचा पाता है या नहीं, और यदि निफ्टी ने इसके नीचे एक सस्टेनेबल मूव दिया तो
तो फिर मेरा मानना है कि जो अगला सपोर्ट है निफ्टी को वो 11,583 का है, जहां कि निफ्टी को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। तो जो अहम सपोर्ट है वो निफ्टी को इचिमुकु क्लाउड के अपर एंड पर मिलेगा, यानी 11,446 पर, जहां कि इचिमुकु क्लाउड का अपर एंड है। यदि निफ्टी की क्लोजिंग 11,674 के नीचे आज होती है तो आने वाले हफ्ते में हमें ये गिरावट जारी रहते हुए दिखेगी, जहाँ की निफ्टी को हम इचिमुकु क्लाउड के लोअर एंड तक भी आते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें काफी सतर्क रहना होगा, क्योंकि मूव्स बड़े वॉलेटाइल होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी काफी वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है। क्योंकि यदि मूविंग एवरेज की स्थिति को देखें तो अभी भी 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर है 20 डेज मूविंग एवरेज के, और वहीं 50 डेज मूविंग एवरेज ऊपर है 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है। परंतु 20 डेज मूविंग एवरेज एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में अभी भी कुछ बाउंसिंग मूव्स यहां से देखने को मिल सकते हैं। यानी 11,663 से काफी अच्छा सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिलेगा, जबकि निफ्टी फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। परंतु अब ये जो लेवल है जहाँ निफ्टी कल क्लोज हुआ है, ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, 11,937 का लेवल। तो दोस्तों आज देखना है कि निफ्टी में मूवमेंट्स किस तरह के रह सकते हैं, क्योंकि आज निफ्टी में फ्यूचर ऑप्शंस का सेटलमेंट है, जिसके चलते वॉलिटिलिटी काफी अधिक रहेगी। तो मेरा मानना है कि निफ्टी में जो जोन है 11,764 से लेकर 12,058 तक, ये एक बुल स्ट्रैपिंग जोन है, जहाँ की अधिकतर बुल स्ट्रैप होते हैं, और यहाँ से एक सेलिंग की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि निफ्टी की ये जो आप क्लोजिंग देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ये लाइन जहाँ की निफ्टी की क्लोजिंग दिखा रहा है 11,937 पर। तो ये यदि हम पीछे जाकर देखें तो ये वही लेवल है जहाँ से निफ्टी 24 फरवरी को, जहां से निफ्टी में हमने गिरावट की शुरुआत देखी थी, और जब निफ्टी ने इस अहम सपोर्ट को तोड़ा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सपोर्ट है 11,764 का, तो जब निफ्टी ने 26 फरवरी को इस अहम सपोर्ट को तोड़ा था, तो निफ्टी में ये गिरावट एक भयंकर रूप ले गई थी। फरवरी के महीने में यानी 28 फरवरी को 11,206 के स्तर पर सपोर्ट देने की कोशिश की थी, और बार बार यहाँ कोशिश हुई इस अहम स्तर को तोड़ने की, यानी 11,387 के लेवल को, जो कि एक स्टिफ रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट हो गया था जब निफ्टी इस स्तर से नीचे आ गया था। तो फिर हमने निफ्टी में गिरावट चल गए थे वो देखी, जहाँ की निफ्टी ने 23 मार्च को 7,513 के लेवल को छुआ था। तो मेरा मानना है कि निफ्टी में फिर से हम यही गिरावट का स्वरूप हमें देखने को मिलेगा, यदि निफ्टी ने इस अहम सपोर्ट को भी तोड़ दिया आने वाले हफ्ते में। तो अब देखना है कि निफ्टी आज किन स्तर पर क्लोजिंग देता है सबसे, कि क्या निफ्टी आज 11,764 के स्तर को डिफेंड कर पाता है या नहीं, और यदि निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो मेरा मानना है कि निफ्टी में बेयरिश सेंटीमेंट्स काफी अधिक हो सकते हैं आने वाले हफ्ते में, जबकि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर जारी रहते हुए दिखा जाएगा। तो आइए अब एक नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक डेली चार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक टफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 24,635 पर, जहाँ की क्लोजिंग हुई है, जबकि एक हाई लगाया था 24,823 का, परंतु ऊपरी स्तरों से यहाँ सेलिंग देखने को मिली, और अंत में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24,635 पर। तो ये एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, और अगला जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, जो अहम रेजिस्टेंस है, वो 25,344 पर है। तो अब मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी को इसको तोड़ने की कोशिश बैंक निफ्टी हो सकता है करे, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी में कुछ अपवर्ड मूव देखने को मिलेंगे। परंतु मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में हर अपवर्ड मूव पर सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काफी वीकनेस दिखाई देती है बैंकों के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से। तो यहाँ मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में भी हर बढ़त पर सेलिंग देखने को मिलेगी, और यदि बैंक निफ्टी ने आज 24,000 के नीचे एक सस्टेनेबल मूव दिया, तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में ये गिरावट बैंक निफ्टी को कहीं नीचे दिखा सकती है आने वाले हफ्ते में, जहाँ की बैंक निफ्टी को हम 22,347 के स्तर को भी छूता हुआ देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। दोस्तों वॉलिटिलिटी अब रहेगी काफी अधिक, तो आपको बड़े संभल कर डिसीजन लेना है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।